गुड मॉर्निंग। हाँ जी गुड मॉर्निंग। उठ चुके हैं सुबह, नेक्स्ट डे इन जीबी, सेकंड डे। कल हम आए थे यहाँ पे, आज हम जाने वाले हैं वाटरफॉल घूमने, तो तैयार व्यार हो जाते हैं एंड फिर निकलते हैं वाटरफॉल के लिए। बाकी मैंने अपने होटल के कमरे से निकल के, जो मैं कह रहा था ना कि भाई दिन में नज़ारे दिखते हैं यहाँ पे, देखो नज़ारे, कमरे की चौखट, इसके बाहर गया और ये सीन सही लग रहा भाई, क्यों है ना बढ़िया। एक सच्चाई भी बता दूं जो तुम्हें इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर नहीं बताएंगे, अगर हम फैमिली ले आते ना अपनी, तो हम गालियां खाते अपने फैमिली वालों से, पता है क्यों? क्योंकि भाई जीबी में ना खाने का सिस्टम नहीं है, मतलब भाई यहाँ पे अगड़म शगड़म सब मिल रहा है, पर मेन जो खाना होता है ना मेन, वो नहीं मिल रहा कहीं। अच्छा क्या, मैं तो कहूँगा मिल ही नहीं रहा। कल रात को भी हमने खाने में खाए हैं कप नूडल्स 50 रुपये के पकड़ के। हम सोच रहे थे कि भाई नहीं बताएंगे व्लॉग वगैरह में, स्टोरी वगैरह में, बट भाई सच जानना ज़रूरी है लोगों का, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। कपड़े वपड़े पहन के हो चुके हैं टिच, 11:30 बज रहे हैं भाई, पर अभी तक हमारा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ क्योंकि हम लेट ही उठे थे सारे, क्योंकि सोए लेट थे, बातें कर रहे थे मस्त। तो भाई फाइनली सब होटल से निकल चुके हैं, अभी पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, हाँ, और फिर उसके बाद वाटरफॉल। हमारा ब्रेकफास्ट गाइस रियलिटी दिखाओ, रियलिटी है। अगड़म बगड़म चौमिन चौमिन खा के पेट भी मिल रही, नूडल्स मिल रहे, कप नूडल्स भाई, समोसे, चाय, देखो ब्रेकफास्ट जब नहीं मिलता, क्रिएटिव माइंड अब क्या करें, टेंशन भी बेच दी थी। हाँ एक चीज़ भाई जो मैंने नोटिस करी यहाँ पे, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा ना, मतलब हमने बोला कि खाना नहीं मिल रहा, बट जितना मिल रहा है, चाहे हमारी पसंद का ना मिल रहा हो, बट जो फ्रेशनेस है ना खाने की, वो पता चलती है। कल भी भाई हमने पकौड़े जो खाए, वो पता चल रहे थे कि फ्रेश बने हैं, और उसके साथ की चटनी जो थी उसमें भी फ्रेगरेंस थी एक अलग, कि भाई हाँ ये अभी फ्रेश बनी है। और अभी भी ब्रेकफास्ट में समोसा खाया है, जो शहर के समोसे होते हैं ना, अगर मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ तो, उसमें इतनी ना फ्रेशनेस नहीं लगती। शहर में अब वो हो गया थोड़ा, बासी खाने का कल्चर हो गया, मतलब हर किसी को पता नहीं चलता, बट हमें पता है क्योंकि हमने भाई काम करा होटलों में और वो सब, हमें पता है कि भाई क्या खाने का सीन रहता है। और वो अच्छी बात यहाँ पे ये लगी कि वो चीज़ अभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाई है, यहाँ पे अभी भी ऑथेंटिक खाने का भाई कल्चर है यहाँ पे, मतलब अगर तुम कुछ लोगे खाने के लिए तो भाई ताज़ा ही बनेगा, तुम्हारे सामने ही बनेगा, वो एक बहुत अच्छी बात है जो शहर से हटके इस जगह को बनाती है भाई। अब हम चल दिए हैं वाटरफॉल की तरफ, जीबी वाटरफॉल, जो कि है यहाँ से 1 या 1.5 किलोमीटर मुश्किल से, तो हमने सोचा पैदल का ही सफ़र कर ले वो, तो वही जा रही है सवारी, फिर वहाँ का माहौल चेक करें, बस भीड़ ना हो यार ज़्यादा, तो बाकी चलते हैं देखते हैं क्या सीन है जीबी वाटरफॉल का। ठीक है भाई, प्राइस देख लो, इंटरनेशनल के साथ भेदभाव क्यों, अबे वो लूट के गए थे ना इंडिया तो वापस करने की तकनीक है। हाँ दिल्ली में 500 रुपये इंटरनेशनल। हाँ चलो जी, भाई यहाँ पे तो शर्ट खोलने का मन कर रहा है, अंदर टी शर्ट पहन भाई, ठंडक है। हाँ ठंडक है, घुसते ही अच्छा बना रखा यार अंदर तो, एकदम मेंटेन्ड। यहाँ आज हम रहेंगे शाम तक, ठीक है हमारे पास जगह पड़े उससे पहले। वो रही वॉटरफॉल, अच्छा हाय लोगों, मुझे नहीं पता था ये, अभी मैंने ये नोटिस पढ़ा, इसमें लिखा हुआ है कि ये एक
रिलीजियस प्लेस है, मतलब कोई कुछ रिलेटेड है, मतलब भगवान से रिलेटेड ये जगह ऑब्वियसली शिव जी से रिलेटेड है क्योंकि मुझे त्रिशूल दिख रहा है वहाँ पे। नोटिस में ये लिखा है कि भाई नहाओ मत इसमें क्योंकि रिलीजियस मान्यता जुड़ी हुई है भाई इस झरने से, जो कि मुझे नहीं पता था, मुझे लगा इट्स जस्ट अ वाटरफॉल, बट यहाँ के ये नई चीज़ पता चली। हाँ भाई पीस है ना। तूने बोला क्या अंडर वाटर वीडियो बना ले, फोन चेक कर लूं कि अंडर वाटर है कि नहीं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ पापा देख रहे हैं। वैसे तो मेरी मम्मी भी देख रही है। ओह माय गॉड, अगर इन दोनों के फोन घर जाके बोलते हैं खराब हो गए हैं तो मेरे से कांटेक्ट करें, मैं बताऊंगा। अब हर्ष की बारी हम सब ना फोटो खिंचा रहे, चद्दू में नहीं चश्मा लगा लिया तो हम कह रहे अबे किसका है, कह रहा अपना ही है मेरा है। हमने कहा अबे साले सच्ची में पता किसका है, कह रहा होगा पता नहीं किसी का। अरे ब्लॉगर फोटो हट जा रही है, चश्मा मार लिया भाई, चश्मा मार लिया। ये करण नौजला लग रहा है भाई। ओ देखो देखो ये हे गाइस, गाना गा के सुनाओ, गाना गा के सुनाइए। करण नौजला जी गाना गा के सुनाइए। अभी सुर ताल बिगड़े हैं। जब दांत देखते ही तो वो बन जाता है दिल्ली का। कौन हंसते ही दांत में क्या दिल्ली लिखा है? नहीं नहीं दांत दांत देखते ये लगता है चेन स्नैचर। ओए आज मैंने 1.5 साल बाद अपनी फोटोज खिंचवाई होंगी। करण नौजला जी पर आपकी दुबई से फ्लाइट का भाई जी भी एक्चुअली और कैसे है यहाँ पे तो एयरपोर्ट भी नहीं है, जेट प्राइवेट। हाँ तो कहाँ लैंड कराया आपने? हेलीकॉप्टर से सीधा नीचे। अच्छा ओह क्या ये घूम घूम ये सिद्धू करण का है ये रहा करण नौजला भाई। अभी एक लोकल अंकल थे उनसे पूछा हमने यहाँ पे मिनी थाईलैंड का है, कह रहे यहाँ पे थाईलैंड भी है, कह रहे हम यहाँ से 10 किलोमीटर आगे रहते हैं, रात तक जिंदगी में नहीं सोना थाईलैंड भी है। जितना खतरनाक है उतना ऊपर की तरफ देखो तो सुंदर भी अब समझ आया इसको मिनी थाईलैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसे पत्थरों पत्थरों में से निकल के थाईलैंड में ही देखे हैं मैंने, वीडियोस देखे गया तो उन्हीं में, पर हाँ इसीलिए। बात तेरी शानी लिख दूंगे तेरे पे कहानी लिख देंगे भाई, खतरों के खिलाड़ी बनने जा रहे हैं हम। आ गए भाई उस तरफ आ जाओ। अबे कुछ नहीं हो रहा, दो पैग अंदर यार जलंधर। वैसे सिर्फ ये डायलॉग है गाइस, डायलॉग है ठीक है, कभी मेरे बहुत सारे रिश्तेदार देख रहे हैं वीडियो, कभी सीरियस हो जाए वो लोग। फोटो वोटो की तो अलग बात है पर भाई शांति बहुत लग रही है यहाँ पे, इसलिए भाई हमें हो गए 1.5 घंटा 45 मिनट से ऊपर। अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के, नेचर में ये चीज़ मिलती नहीं है ना हमें भाई, हम शहर के लोग हैं दिल्ली के है ना, नेचर में रहने का हमारा दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है, तो वो चीज़ अच्छी लग रही है यहाँ पे, टेंशन से दूर आके। इधर का ही हूँ ना उधर का रहो, सफर का ही था मैं सफर करा मैं रहा मेरा। आवाज़ जज मत करना मेरी, मैं बस मूड में गा रहा हूँ, मैं गाता नहीं हूँ वैसे, मुझे पता मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है भाई। फाइनली सेकंड डे पे हमें मिल चुका है चिकन और वेज में है मिक्स वेज, तो वेज वालों के लिए हमारे दो जने हैं वेज के, तो उनके लिए कराया हमने मिक्स वेज, और हमने खुद के लिए करवाया है चिकन, उसके साथ रोटी भी घर वाली तवा रोटी।